हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ऑफ़र लेटर को लेके, ठीक है, कि ऑफ़र लेटर क्या है, ओपन मेरिट क्या है, ठीक है। इन बातों को लेके काफ़ी जो है स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, ये बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि जो ओपन मेरिट है उसका क्या क्या हमें बेनिफिट्स है, ठीक है। कुछ को ये पता है कि हाँ, जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट से जिनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, वो एडमिशन ले सकते हैं जिनका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ और भी इसके बेनिफिट हैं, वो आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको इसके बेनिफिट समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये है अपना माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रोविजनल ऑफ़र लेटर। और ये जो ऑफ़र लेटर है ये ओपन मेरिट का है। मैं आपको इस लेटर के अंदर सबसे अच्छी बात दिखाने वाला हूँ, वो क्या बात है। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, मेरिट, ठीक है, ये सेकंड मेरिट है, सेकंड ओपन मेरिट। और कैटेगरी वगैरह है, डोमासाइल है, इधर फादर नेम, ये इनकी पर्सनल डिटेल है, ठीक है। उसके बाद आइए आप यहाँ पर देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर MSc में अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, आपने MSc में अप्लाई किया और गलती से आपका फॉर्म मैथ में भरा गया, ठीक है, इसमें भरा गया मैथ में, बाई मिस्टेक मैथ में आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और आपको इस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लेना, ठीक है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ आपको कि आप पूरी MSc को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने फॉर्म फिल किया MSc के अंदर, आप इसी वाले रजिस्ट्रेशन से, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है इसी वाले रजिस्ट्रेशन से आप MCOM में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप MA में भी एडमिशन ले सकते हैं इसी वाले रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने MSc में गलती की है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट आपने गलत फिल कर दिया है, या फिर आप पूरी की पूरी स्ट्रीम को ही चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप MSc नहीं करना चाहते, आप MA करना चाहते हैं, आप MA भी नहीं करना चाहते, आप MCOM करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ऑप्शन है इसके अंदर कि आप पूरी स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखिए, ये जो मैं काफ़ी वीडियो के अंदर बताया, कुछ बच्चों को डाउट आया इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये है आपका ब्लैंक ऑफ़र लेटर, ठीक है। इसका ये ऑफ़र लेटर तो है, ये ऑफ़र लेटर होने के साथ साथ ये ब्लैंक ऑफ़र लेटर है। मैंने इसे ब्लैंक क्यों कहा, मैंने इसलिए ब्लैंक कहा क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं है, ठीक है, मैंने इसलिए इसे ब्लैंक कहा क्योंकि यहाँ पे कोर्स का नाम नहीं है। तो देखिए, यही दो कॉलम है जो आपको समझने में आसान होंगे और आपकी समझ में भी आएगा कि ब्लैंक ऑफ़र लेटर का मीनिंग क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज का नाम नहीं दिया गया, कॉलेज का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया, ये आप पे छोड़ दिया गया कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप एडमिशन तो वहीं पे ले सकते हैं जहाँ पर आपके सब्जेक्ट की सीट होगी। तो जहाँ भी आपके सब्जेक्ट की सीट होगी वहाँ पर आप इस ब्लैंक ऑफ़र लेटर को जमा करा देना, ठीक है। जैसे आप जमा कराएंगे, कन्फर्मेशन की डेट आएगी, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आइए, देखिए ये वाला, ये जो सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे दिया हुआ है कोर्स, देखिए कोर्स का कितना बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे ये भी ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक होने का मीनिंग ये है कि आप किसी भी, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं, भले ही आपने ऑनलाइन किसी और सब्जेक्ट से कराया हो, ठीक है, ऑनलाइन आपने किसी और स्ट्रीम में कराया हुआ है, आपने MSc में कराया हुआ है, ठीक है, मैथ में कराया हुआ है, आप फिजिक्स में लेना चाहते हैं तो फिजिक्स ले सकते हैं, ठीक है, आपने MSc में कराया हुआ है, आप MA करना चाहते हैं तो MA में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप MA लिख देंगे अपने हाथ से और इसे कॉलेज में सबमिट करा देंगे, बता देंगे कि मुझे MSc नहीं करनी, मुझे तो MA करनी है, ठीक है, या मेरा गलत हो चुका है। तो जिनका भी फॉर्म गलत फिल हो रखा है बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे ही ओपन मेरिट आएगी, ठीक है, जैसे ही ओपन मेरिट आएगी, ओपन मेरिट में ये सब सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपने जो भी गलत, ठीक है, सब्जेक्ट फिल कर रखा था, लेकिन जब ओपन मेरिट आएगी उस टाइम पे जो आपने सब्जेक्ट फिल कर रखा था यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ब्लैंक, ठीक है, इसका नाम ही ब्लैंक ऑफर लेटर है। जब ब्लैंक ऑफर लेटर आएगा तो आप अपनी चॉइस से जिस वाले मर्जी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर था ये तो यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉपी है, और जो नीचे दिया गया है ये आपकी
स्टूडेंट कॉपी है, ठीक है, दोनों एक ही है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर रहता है और यहाँ पे डेट रहती है एडमिशन की, कि जो एडमिशन की डेट है वो कब से लेके कब तक है, ठीक है। यही रूल आपका यूजी में है और यही रूल आपका पीजी में है, ठीक है। तो आज के लिए यही जानकारी, ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।